बिहार के रवि सिन्हा को मिली खुफिया एजेंसी रॉ की कमान। मौजूदा चीफ सामंत गोयल की लेंगे जगह। सचिवालय में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के पद पर हैं रवि सिन्हा। वैसे तो बिहार में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है, साथ ही यहां के प्रतिभाओं का लोहा पूरा विश्व मानता है। और अगर बात की जाए बिहार के भोजपुर जिले की, तो भोजपुर की मिट्टी ने भी देश को बहुत कुछ दिया है। ऐसे में जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां भारत के बड़े खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख रवि सिन्हा को बनाया गया है, जो मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एमपी बाग मोहल्ले के स्थायी निवासी हैं, जहां उनका पुश्तैनी घर है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। अभी रॉ के प्रमुख 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी सामंत गोयल हैं, जो 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिसके बाद रवि सिन्हा ये जिम्मेदारी निभाएंगे, जो 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। रॉ प्रमुख बनाए जाने पर जिले में दौड़ी खुशी की लहर। वहीं रॉ प्रमुख बनाए जाने पर उनके जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके रॉ प्रमुख बनने पर उनके बचपन के साथ ही मोहल्ला वासियों सहित जिले के लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। मेरे हम जोली थे, साथ में हम लोग खेलते थे, पतंग वगैरह उड़ाते थे इसी घर में, इसी छत पर, और वो बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे, तेज थे, अपने परिश्रम किए और आगे विकास किए। क्या कितने दिनों तक यहाँ पर वो रहते आते थे, मिलते थे आप लोग से? नहीं, बचपन तो उनका यहीं पर गुजरा था। हाँ, और उनके माता पिता जी जो प्रोफेसर थे वो अपने वहाँ झारखंड में थे, तो आते थे, तो आप लोग से मिलना जुलना होता था? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं था कि वो आईपीएस हैं? नहीं नहीं नहीं, बीच में कभी कभी आते हैं तो मिलते हैं। कितनी खुशी हो रही है जब से? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। हमारे जिला का नाम रोशन हुआ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। कब आप लोगों को ये जानकारी मिली? आज सुबह मिली है, आज हम पेपर, हाँ आज हम पेपर, हाँ माध्यम से। मतलब ऐसा कितना गर्वांतित महसूस हो रहा है आपका? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, उसको कहा नहीं जा सकता है, बहुत ज्यादा हो रहा है, शब्द कम पड़ रहे हैं। हाँ बहुत। तो आप लोग का पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी जो है वो रॉ चीफ बन गए हैं भारत के? जी हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं? हम तो अपने खुशी लगता है कि किस तरह से उसको खुशी प्रकट करें, ये हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। सारे मोहल्ले वासियों को देखकर हम भी बहुत आनंदित हो रहे हैं कि चलो भाई, हमारे विपिन बाबू जो थे उनके पिताजी का लड़का भारत का रॉ का चीफ बन चुके हैं, बहुत खुशी की बात हो। और सभी मोहल्ला वासियों खुशी है, अभी इसको हम वर्णन किस तरह से करें हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप पड़ोसी हैं रवि सिन्हा, जब यहाँ आते हैं तो मुलाकात होती है? हाँ, हमारे पूरे फैमिली से मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ईमानदारी की भी उनकी, ईमानदारी में तो कहना ही नहीं किया है, ईमानदार पूरे हैं। बचपन साथ में बिता? हाँ, हमारा तो बचपन साथ में बिता है। कौन है रवि सिन्हा जिन्हें बनाया गया रॉ का नया चीफ? बता दें कि छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा अभी तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बिहार के भोजपुर के रहने वाले आईपीएस रवि सिन्हा ने अपनी शुरुआती शिक्षा झारखंड के धनबाद से शुरू की। उनके पिता स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद सिन्हा धनबाद में प्रोफेसर थे, जहाँ आईपीएस रवि सिन्हा रहकर पढ़ाई करते थे। उसके बाद उच्च शिक्षा की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की है। 1988 में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी के तौर पर मध्य प्रदेश कैडर का हिस्सा बने। 21 सितंबर 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ रॉ का गठन। देश हित के लिए ऑपरेशन को अंजाम देती है रॉ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों को काटकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, जिसके बाद तकनीकी तौर पर रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर में शामिल हो गए। बता दें कि रॉ देश हित के लिए ऑपरेशन को अंजाम देती है, इसकी रिपोर्टिंग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ होती है।
21 सितंबर 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में रॉ का गठन हुआ था। तब से ये खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आरा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।